हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर हमारी पीको मशीन है अगर नीचे का धागा नहीं पकड़ रही है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर धागा ढीला दे रही है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, दोनों प्रॉब्लमों का सलूशन आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखें, और वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्किप करके ना देखें, यानी काट काट के ना देखें, नहीं तो आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा और हमारा भी टाइम ख़राब होगा। हम और आप बोलेंगे कि हमने वीडियो सही नहीं बनाया। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी यही हो सकती है कि हमारी जो सुई है उसे आपने ठीक तरीके से नहीं चढ़ाया है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हम सुई को किस तरीके से चढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, हम पेचकस को लेके, तो सबसे पहले हम आपको सुई बताते हैं कैसे चढ़ानी चाहिए, जिससे हमारी मशीन बड़े बड़े टांके ना दे। तो फ्रेंड्स, दे सकते हैं, ये हमारा चपटा वाला हिस्सा है, ये चपटा हिस्सा, और ये इस साइड वाला धार वाला हिस्सा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल लकीर होती है, और ये वाला होता है चपटा हिस्सा। तो डियर फ्रेंड्स, देख सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, सुई को चेक कर लेना है, सुई हमारी कहीं उल्टी तो नहीं चढ़ी है। तो चपटा वाला हिस्सा मेरा, जस्ट चपटा वाला हिस्सा मेरा उस साइड होना चाहिए, इस साइड, और किनारी जो धार बनी होती है वो वाला हिस्सा हमारा इस साइड होना चाहिए। ये बात विशेष ध्यान रखें। पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। उसके बाद अब सेकेंड, तो फ्रेंड्स सेकेंड प्रॉब्लम हमारी हो सकती है, ये हमारी जो सटल है इसकी टाइमिंग, मेन चीज़ होता है टाइमिंग एडजस्टमेंट। तो फ्रेंड्स, हमने ये बूट ये वाला अलग हटा दिया है। अब हम आपको दिखाएंगे कि हमें यहाँ पे क्या चीज़ को देखना है। तो सबसे पहले हम मशीन को चेक करते हैं, शायद आपको क्वालिटी सही मिल रही होगी। तो देख सकते हैं हमारी सुई किस तरीके से वर्क करती है। पहला राउंड ये लगाती है, सेकंड ये। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ये नकुन आ रही है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमारी जो सटल है, जो इसकी ये नकुन है, ये हमारी सुई से टच होते हुए जब आगे बढ़ती है तो वो धागा को पकड़ के चलती है। अगर ऐसा नहीं है, आपकी सटल हल्की भी मामूली सी अगर घूमी हुई है, तो आपकी सटल सुई आपकी धागा नहीं पकड़ेगी। देख सकते हैं, ये आप ध्यान रखें कि जे चीज़ जे दूरी इतनी होनी चाहिए, सुई से इसकी इतनी दूरी होनी चाहिए। अगर नेक पास होगी तो ये टूट जाएगी। इसलिए जब भी आप मशीन को जब भी सटल सेट करें, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सटल को ऐसे इस तरीके से सेट करना चाहिए ताकि सुई मेरी बिल्कुल बराबर इससे चिपकते हुए चले। अगर आपने टाइमिंग सेट सही से की है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी सुई ऐसे करके टच करते हुए चलती है, ऐसे करके टच करते हुए चलती है। अगर टच करते हुए चलती है तो होते हुए सही से निकले। दोस्तों, सबसे ख़ास कमी हमारी यही होती है कि हमारी अगर सटल अगर हमारी सही से एडजस्ट नहीं होगी तो बिल्कुल ही धागा नहीं पकड़ेगी। अब हम आपको दिखाते हैं धागा कैसे पकड़ती है। तो फ्रेंड्स, जब हमारी धागा लगा हुआ होता है तो हमारी सुई धागा इस तरीके से पकड़ती है। देख सकते हैं, ये धागा इसने पकड़ लिया है। और अगर हमारी सटल सही नहीं सेट है तो फिर धागा कहाँ से पकड़ने वाली। तो फ्रेंड्स, यही प्रॉब्लम होती है कि आप लोग समझे धागा छोड़ छोड़ के चलती है। तो इसका मतलब यही होता है कि हमारी सटल और सुई में बीच में गैप होता है, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो जब भी आप सटल सेट करें, अगर आप खुद कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है, हमने वीडियो बनाए भी हैं। अगर आप सटल सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से पेंच को हल्के से खोलें,
हल्के से यहाँ से लूज कर लें तीनों पेंच। लूज करने के बाद उसके बाद यहाँ पे सटल और इस सुई को जो चपटा हिस्सा है वहाँ पे बराबर रखें। तो फ्रेंड्स, सटल को सेट करने के लिए हमने एक वीडियो बना दिया, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ आपको यही बता सकते हैं कि हमें सटल कैसे सेट करना है। बस इतना ध्यान रखें कि हल्की सुई से सटल की ये नकोना टच करते हुए चले, तो समझ लो आपकी सटल बिल्कुल सही से सेट सकती है। तो फ्रेंड्स, लास्ट प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि जैसे कि हमारी ये इसमें ये तार लगा हुआ है, अगर ये तार टूट जाए तो भी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद अगर ढीले की बात करें तो हमारी जो डिब्बी है, अगर ये पत्ती हमारी ढीली है और अगर धागा ढीला दे रही है तो ढीले की समस्या यहीं से आएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, और बाद बाकी आप हमें कमेंट कर सकते हैं कोई भी बात अगर ना समझ में आ रही हो तो। अगर डिब्बी में से प्रॉब्लम है तो धागा ढीला तो भी देगी, और अगर गुच्छी मेरी कट चुकी है, अगर गुच्छी ख़राब हो चुकी है तो फिर तो धागा ढीला भी देगी, धागा काटेगी भी और बड़े बड़े टाँके भी देगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो मेरा यहीं तक का था। अगर आपको कोई बात ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम अगले वीडियो में आपके लिए आपके कमेंट के अनुसार वीडियो बना देंगे। तो तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।